जनता ने हम लोग नहीं बनाए हैं, आज बड़े आदमी बन गए हैं तो वो सोच रहे हैं कि हम लोग को साथ देंगे, तब ना हम लोग उसको साथ देंगे। सर बताइए, मोदी सरकार पे सब कोई भरोसा करते हैं, आपका भरोसा क्यों टूट जा रहा है? सही थे, लकड़ी बेच बेच के सब पैसा जमा किए हैं, कुछ नहीं बोले। आपका कितना पैसा फंसा हुआ? मेरा 15 लाख रुपया फंसा हुआ। तो जाके भी भलाई है। अच्छा दादा, राम राज आ गया तो राम राज में राम जी आए तो सभी का भलाई होना चाहिए, इतने सा हम कहेंगे और कुछ नहीं। और इस वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद हैं और यहाँ से कुछ ही दूर पर राजभवन है और उसके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि विशाल जनसभा की गई है और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी शाम का समय हो गया है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हुए हैं। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सहारा पीड़ित जमाकर्ताओं का सहकारिता मंत्रालय के खिलाफ संपूर्ण भुगतान के लिए विशाल प्रदर्शन किया गया है। तो आज 30 जनवरी है और आज रांची चलो का अभियान यहाँ पर चलाया गया है। हालांकि 1 फरवरी को दिल्ली भी जाना तय यहाँ पर हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर बोर्ड में देख रहे होंगे। माताएं ने भी छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर लाए हुए हैं और इनका क्या कुछ मांग है और क्या कुछ करने के लिए आज यहाँ पर लोग आए हुए हैं, हम उनसे कुछ लोगों से बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे। आपका कितना पैसा फंसा हुआ? मेरा 15 लाख रुपया फंसा हुआ। ये मोदी सरकार चाह नहीं रही है, मोदी सरकार अगर चाह लेगी तो हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं? धरना देने आए हैं। कौन सा चीज का? सहारा में जो हम लोग अपने खून पसीने बेच बेच के जो पैसा रखे हैं, बस सिर्फ हम वही चाहते हैं, कुछ दे या ना दे, अपना पैसा मत दे हम लोग को, लेकिन सिर्फ जो हम लोग रखे हैं खून बेच बेच के वो पैसा हम लोग को वापस दे दे। कितना फंसा है पैसा आपका? सर हम लोग को तो ज़्यादा गरीब आदमी तो ज़्यादा कहीं हम लोग बिजनेस मैन नहीं है या कुछ भी नहीं किए हैं, लेकिन जो भी है छोटा मोटा काम करके या लकड़ी बेच के या कोयला जो भी है छोटा मोटा काम करके रखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ तो नहीं 50,000 जरूर है, 50 से 60,000 जो हम लोग रखे हैं वही हम लोग को दिया जाए। इतना छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम हम कुछ नहीं कर सके तो बच्चा सबको तो कुछ काम आ जाएगा। पीठ में बांध के करते थे, लकड़ी बेच बेच के सब पैसा जमा किए हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सरकार से हम यही बोलेंगे कि हम लोग का जो हम जितना हम लोग का जमा पैसा है वही सिर्फ हम लोग को वापस कर दे और हमको अपना पैसा ना दे। मोदी सरकार पे सब कोई भरोसा करते हैं, आपका भरोसा क्यों टूट जा रहा है? सर अगर भरोसा करते हैं ठीक है, लेकिन हम लोग का जो अपना कमाई का पैसा है उसमें सरकार क्यों ध्यान ना दे रहे हैं और धोखेबाजों के साथ जो अत्याचार हम लोग के साथ कर रहे हैं उसका हम लोग का साथ देने के बजाय वो उस सबसे मिले नहीं है, तो फिर हम लोग का साथ में क्यों नहीं है मोदी सरकार? यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है रांची चलो, तो इसी प्रकार है 1 फरवरी को दिल्ली चलो का अभियान चलाया जा रहा है, तो क्या आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? एकदम जाने के लिए जाएंगे, सिर्फ अपना हक के लिए जाएंगे, अगर हम लोग का हक के लिए कहीं भी जाना पड़े तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं सर। यदि अगर खून बहे तो हम लोग खून बहाने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम लोग को हक का कमाई होना चाहिए। सरकार को किसने बनाया है? जनता ने हम लोग नहीं बनाए हैं, आज बड़े आदमी बन गए हैं तो वो सोच रहे हैं कि हम लोग को साथ देंगे, तब ना हम लोग उसको साथ देंगे। सर बताइए, सरकार से लड़ेंगे कैसे? नहीं लड़ेंगे, अगर हम लोग को माए यानी पैसा नहीं देगा तो हम लोग सरकार को वोट नहीं देंगे। फैसला कर लिया? हाँ हम लोग फैसला कर लिए हैं, ना देंगे ना तो किसी को देने देंगे, यही बात हुआ। जाके भी भलाई है। अच्छा दादा, राज आ गया तो राम राज में राम जी आए तो सभी का भलाई होना चाहिए, इतने सा हम कहेंगे और कुछ नहीं, और सबका लाज बचा दे गरीब का। अच्छा लास्ट में और एक बात कि हम बोल रहे हैं कि आपके थ्रू से कितने कोई पैसा जमा किए हैं जिनका विश्वास करके ये सहारा में पैसा जमा? करीब हमरा में अंडर में 2.5 करोड़ होगा, 2.5 करोड़ आज पैसा इतना जमा है। बहुत तरह के बात कह रहे हैं, बहुत तरह का सबको सहना ही है, आराम समझना है, और नहीं तो वो लगता है कभी माने खत्म हो जाए सीधे। आपका परिचय? मेरा, हम सहारा पीड़ित हैं और हमारा संगठन है सहारा का पैसा दिलाने के लिए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, उसके हम एक कार्यकारी हैं। आज जो यहाँ पर जो बैठक हुआ उसमें क्या कुछ विचार किया गया? हम लोग आज एक दिन के लिए धरना प्रदर्शन करने आए थे, ये सरकार जो सोई हुई है ये सरकार को जगाने के लिए आए थे कि सरकार जगे और गरीबों का भुगतान कराए, इसलिए आज हम लोग राज्यपाल भवन में आए थे कि महोदय को ज्ञापन देने कि जो सरकार हमारे सोई हुई है वो जगे और हम गरीबों का भुगतान कराए। आखिर सरकार भुगतान क्यों नहीं करा रही है? ये जो कंपनी देश के 13 करोड़ इन्वेस्टर्स और जो पीड़ित है 70 से 80 करोड़ जनता जो आज पीड़ित हैं, हैं इनका भुगतान कराने के लिए सरकार आगे क्यों नहीं आ रही है? सरकार को आगे आना चाहिए,
सरकार अभी तक ये जो सहारा का अधिकारी लोग है, इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? गिरफ्तार करा ले, अभी ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार करा ले, स्वप्ना राय को गिरफ्तार करा ले, गरीबों का पैसा दिला दे। आखिर सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, आज यहाँ पर कितने लोग मौजूद हुए थे सहारा पीड़ित लोग? आज हम लोग पूरा झारखंड से मिल के आए थे, बहुत है कि बहुत को पता नहीं चला था। हाँ, फिर भी आज हम लोग 1000 आदमी से ऊपर यहाँ पर जमा हुए थे, अपना बात रखे और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पर बैनर में देख रहे हैं कि आज 30 जनवरी है और रांची चलो का यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, और जैसे कि देखा है कि 1 फरवरी को दिल्ली चलो का भी यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कुछ कहिएगा? आज का जो हमारा आंदोलन है राष्ट्रीय आंदोलन है, आज पूरे देश में ये आंदोलन 30 तारीख को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन लगा हुआ है, 1 तारीख से दिल्ली में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। तो आज हम लोग पूरा देश में ये रांची चलो झारखंड वालों के लिए बोले थे, आज हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन देना है, 1 दिन का भूख हड़ताल रखना है, आंदोलन करना है, सरकार को जगाने का काम करना है कि गूंगी बरी सरकार जग जाए और गरीबों का भुगतान हो जाए, सहारा द्वारा जो लूटा गया या पैसा दिलाया जाए। अगर नहीं दिलाते हैं तो अभी जो 2024 में इलेक्शन है, जो सरकार अगर हमारे भुगतान कराएंगे तो हम सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे, अगर ये सरकार हमारा भुगतान नहीं कराती है तो वर्तमान सरकार को हम सत्ता से बाहर निकालने का काम करेंगे। कुछ महीना पहले तो सरकार के द्वारा भुगतान किया गया का ऐसे ऐलान किया गया था, सब झूठ है। ये पहले सुब्रत राय ने लूटा झूठ बोल बोल के, अब सरकार झूठ बोल रही है। सरकार इसके पहले CRC लाया, वो भी गलत झूठ था गुमराह करने के लिए, उसके बाद पोर्टल आया, वो भी गुमराह कर रहा है। सरकार को भुगतान कराने का मंशा नहीं है, सरकार को भुगतान कराने का मंशा हो तो सिर्फ लोगों को गिरफ्तार कर ले, गिरफ्तार करे। अभी जो शीर्ष अधिकारी है, ओपी श्रीवास्तव है, स्वप्ना राय चौधरी है, ये लोगों को, स्वप्ना रॉय है, ये लोगों को गिरफ्तार कर ले। आप लोगों का आगे क्या रणनीति होगा? आगे रणनीति, हम लोगों का आंदोलन चलेगा, जब तक सरकार नहीं भुगतान कराती है तब तक आंदोलन बढ़ते रहेगा, करते रहेगा।